हमारा आनंद का, नारायण का, मेरा नेटवर्क नहीं कनेक्ट हो पाता सही से। चलिए, सर अभी अच्छे से श्रीलंका दिख रहा है, अच्छे से अभी दिख अच्छा रहा है है। सर नेटवर्क। ठीक है, तो आज बढ़िया रहा बहुत। बीच में एक बार डिस्कनेक्ट कैसे हो गया था वो? अरे सर बीच में सर डिस्कनेक्ट गलती से हो गया था सर, भी शैतान। सर हमने किए थे लेकिन सर नेटवर्क से ही गलती से। अच्छा चलो ठीक है, तो एक पार्ट का हिस्सा निकल गया 400 सर। अब हमको क्या निकालने का आ रहा, इंटरेस्ट निकालने का आ रहा। तो इंटरेस्ट कितना, 21 पार्ट है, 21 पार्ट है, तो 21 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400 मल्टीप्लाई 21 कितना हो जाएगा? 21 84 हो जाएगा, फिर 00 हो जाएगा, तो इतना रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना। जो निकालना कहेगा वो निकाल लेना आराम से। इसको सेकेंड मेथड से आप लोग करके लाना, ये आपके लिए DIY हो गया। सेकेंड मेथड क्या करना, प्रिंसिपल नहीं आता, लेट प्रिंसिपल मान लेना, लेट प्रिंसिपल मान लेना बाबू। कितना सर? 1 रुपया मान लेना। तो SI कितना हो जाएगा बाबू? 484 - -X हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दो, 484 - -X सिंपल इंटरेस्ट बराबर P×R×T/100, है ना बाबू। अब प्रिंसिपल हमारा कितना है सर? 1 रुपया है, तो 484 - X हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ सर 3.5% दिया हुआ है, और टाइम 6 साल दिया हुआ है, और यहाँ 100 दिया। इसको 100 से इधर मल्टीप्लाई करो और एक्स की वैल्यू निकालो। और ये मत करना कि एक्स एक्स यहाँ कैंसिल कर देना, बता दिए एक्स बराबर निकाल निकाल कर रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। स्कूल में आपको इस मेथड को फॉलो करना है, और कंपटीशन वगैरह फिटजी उटजी में ये मेथड आंसर लाने से मतलब है, तो ऐसे फॉलो करना। जहाँ सिर्फ हमको खाली आंसर लाना है वहाँ इस तरह से फॉलो करना। स्कूल में अप्रोच देखना, स्टेप करना है तो इस तरह से करना। आपको दोनों बताते हैं। देखो इसको सॉल्व करने में मुश्किल से कितना हमको लगेगा, 2 मिनट मैक्सिमम, 2 मिनट नहीं तो 1 मिनट। हम तो 1 मिनट में कर लेंगे, आप लोगों को मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ऐसे करोगे तो आपको सर 5 मिनट लगेगा। जल्दी करो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू, एक क्लास और इस मंडे को लास्ट कर देंगे, ठीक है ना। आप लोग बाबू अटेम्प्ट करो बुक का क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन बनाइए, सिंपल इंटरेस्ट का सॉल्यूशन करवा देंगे। जानवी शर्मा काहे रो रही बाबू? कुरकुरे, ये हमारी कुरकुरे, क्या हुआ सर? काहे नहीं समझ में आ रहा है? सर आ रहा है झूठ बोल, समझ में? कैसे आ रहा है सर सच्ची सर? में आ रहा है समझ में? 4 रुपए वाला कुरकुरे खरीदे थे, 10 का कि 5 का है? संजना, ए संजना बाबू, कैसे यस सर। आपका माइंड बने प्रेशर से काम करते बाबू? हम पर कैसे सही से, हाँ बाबू कैसे सही सही बना ले? संडे को कौन से सब्जेक्ट से टेस्ट लीजिएगा? मैथ बाबू, मैथ 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 मैथमेटिक्स, सारा चैप्टर सर? हाँ सारा ही रहेगा, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना है। अभी तो आपका छुट्टी है बाबू, तो छुट्टी है तभी क्या करोगे, दिन भर मैथ बना लो, अलजेब्रा वगैरह सब स्ट्रॉन्ग कर लो। सर किसको भी छुट्टी मिल गया? हम लोग ज्योमेट्री जब भी शुरू करेंगे बाबू, तो कंटिन्यूअस 2-3 महीना चलेगा, पहले ही बोल देते हैं, माइंड फ्रेश कीजिएगा, क्योंकि बहुत दिन से मैथ पढ़ना। ज्योमेट्री जब भी शुरू करेंगे तो चलेगा सर कंटिन्यूअस। ज्योमेट्री इसके बाद शुरू करिएगा। ये पहले कमर्शियल, इसमें परसेंटेज बच गया ना, कंपाउंड इंटरेस्ट बच गया, प्रॉफिट लॉस बच गया, 3 वो 4 वो खत्म होने दो ना। तो ज्योमेट्री जब शुरू करेंगे तो कंटिन्यूअस। ए शिवांगी शैतान, शिवांगी इसका पापा ही आज फोन करते हैं। कहा है बाबू आपका परफॉर्मेंस डाउनग्रेड क्यों हो रहा है शिवांगी? यस सर। कहा परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो रहा है बाबू? सुबह उठने में भार पड़ता है क्या? नो सर, तबीयत खराब है। बहुत आजकल तबीयत खराब आपका रह रहा है बाबू। जय जय भाई, अभी नहीं गई बाबू, दादी घर ठंडा में यही होता है बाबू। चल जल्दी से लिखे, इरेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन इसको जल्दी से बनाता है?
गया वो कौन? प्रकाश सिंह गया। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हो। एट भाट रेट परसेंट बाबू क्वेश्चन है, हर एक टाइप का आपको करवा देंगे, ठीक है ना? एट भाट रेट परसेंट एट भाट रेट परसेंट बाबू पर एनम, पर एनम ये नेक्स्ट टाइप है वो बिल सम ऑफ मनी, बिल सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी बाबू बी सेवन टाइम्स। सम ऑफ मनी कहने का मतलब प्रिंसिपल, क्या बाबू? प्रिंसिपल बी 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 सेवन टाइम्स, सात गुना हो जाएगा, सेवन टाइम्स बाबू इन थ्री इयर्स, सेवन टाइम्स इन थ्री इयर्स। क्वेश्चन समझो, कितना समय में सर, कितना रेट ऑफ परसेंट सर कि आप 500 रुपया दिए बाबू, तो वो सात सात गुना हो जाएगा, मतलब 3500 रुपया हो जाएगा। मान लो किसी को आप 100 रुपया कर्जा दिए तो कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। कितना साल में? 3 साल में। तो किस रेट परसेंट के हिसाब से आप दोगे कर्जा? अटेम्प्ट करो तो। एगो कौन भागा? प्रकाश सिंह भागा, और एगो कौन भागा? सतीश भागा होगा। ये दो तो शैताने है ये बीच में। सर कौन सा चीज सेवन टाइम्स हो रहा है सर? अमाउंट ना ऐसा ही। अरे 100 रुपया लगाया बाबू तो 7 गुना हो जाएगा, तो 7 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल। मान लो 100 रुपया आप कर्जा लगाए, यस, तो 700 का 700 हो गया, तो 700 क्या बन जाएगा सर? अमाउंट। हाँ अमाउंट बन जाएगा। आप ही लोग के लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना? कोई टफ नहीं है, फर्स्ट सेकंड क्लास का। दिमाग लगाओ, बनाओ जल्दी से, बना दो। शिवम सिप सिप बोले, सिप सिप बोले। मान लो प्रिंसिपल 100 रुपया है, अमाउंट हो गया 7 टाइम्स, 7 टाइम्स कर लो यहाँ तो सर 200% आएगा। हाँ मेरे लाल बुधिया तो लगा लिया बाप बाबू। सर देखिए दिखा। हाँ बाबू इसी तरह से अभी स्कूल में जब भी शुरू होगा, टाइम 3 साल, प्रिंसिपल पी सर, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, वाह मेरे लाल। चलो ठीक है, बनाओ बनाओ आनंद। कहा बाबू नहीं बुद्धि काम कर रहा आनंद? आनंद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया ना बाबू? ये आनंद पढ़ लिया तो कैसे नहीं बन रहा बाबू? यही सब क्वेश्चन आता आप ही लोग के लेवल का, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? दोनों मेथड से तो आपको बता रहे हैं, दो दो मेथड से बनाया। जानवी शर्मा, अरे बाबू 100 रुपया कर्जा लगाया, तो 100 रुपया कर्जा लगाया तो कितना हो गया? 700 रुपया हो गया। किसी को दिया 200 आएगा। हाँ 200 आएगा सर। दिखाने बोला आ गया। आ गया यस सर, आ गया, देख लीजिए। हाँ दिखाओ जानवी शर्मा, दिखाइए तो सर, देखिए हमारी सर। हाँ दिखाओ तो, बताओ शिवानी, शिवानी शैतान दिखाइए ना सर। दिख रहा है, कहाँ गई? इसको तो खोजें। ओम शर्मा जल्दी बनाइए, शैतानी गई नहीं ना, तो नीचे कैसे बनाई है? अरे शैतान 100 रुपया मान ली बाबू, हे प्रभु 100 रुपया बोले तो 100 रुपया मान ली शैतान ने, दस शैतान 100 रुपया नहीं माना जाता बाबू। चलो ठीक है, टी को 100 रुपया मान ली सर। मान ली बाबू, अमाउंट मान ली, ये तो गलत होगा सर। टी को थोड़ी माने, सिर्फ पैसा या पी और अमाउंट को। हाँ प्रिंसिपल 100 रुपया मान ले, चलो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 मान के भी कभी कभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे अप्रोच करेंगे सर, दोनों तरीके से होता है, देख लीजिए मान के 100 मान के। देखो अच्छा ठीक है, हाँ
लेट बाबू भाट रेट परसेंट कह रहा है कितना रेट परसेंट होगा है ना बाबू बिल सम ऑफ मनी बीस सेवन टाइम है ना। हाँ बाबू सर देख लीजिए मेरा दिखाइए नहीं बना सौरभ कौन दिखा रहे शिवांगी बाबू मेरे कॉपी में उसका ट्रिक था सर भूले हुए वही देख रहे हैं। हाँ बाबू ट्रिक है मैं देखे नहीं यहाँ बता यहाँ बताएंगे हाँ दिखाओ शिवांगी और यहाँ बताएंगे जिस पर ध्यान मत देना जल्दी करो शिवांगी चलो ठीक है बुद्धि हमारे सब चलो ठीक है अब पढ़ाते हैं देखिए शिवानी बाबू एलकेजी का क्वेश्चन है शिवानी शिवम आप भी देखो आप पर खैर आप भी देखो संजना हमारी कहाँ गई संजना शैतान संजना है चलो ठीक है देखो वो क्या करा एट भाट रेट परसेंट है ना बाबू बिल सम ऑफ मनी सेवन टाइम्स मान ले आपको आपने 100 रुपया किसी को दिया तो कह रहा है वो कितना रेट से दोगे बाबू कि उससे क्या लोगे 700 रुपया लोगे कितना लोगे 7 टाइम्स करने का मतलब 700 रुपया मान लो 500 रुपया दिया तो 7 टाइम्स करने का मतलब 3500 रुपया 3500 रुपया है ना 3500 रुपया तो कितने समय के लिए हो 3 साल कितना साल दिया 3 साल दिया 3 साल दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का रहा कह रहा है कि कितने दर से बहु कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से दो कि आपका अमाउंट कितना हो जाए 7 गुना हो जाए 3 साल में ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया हमको क्या प्रिंसिपल नहीं ना दिया होता लेट प्रिंसिपल मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं सर प्रिंसिपल मान लेते हैं कितना सर पी मान लेते हैं समझो आनंद ठीक प्रिंसिपल पी हो गया और अमाउंट कितना हो जाएगा 7 टाइम्स तो मान लो 100 रुपया लगाओगे तो 700 हो जाएगा है ना 10,000 लगाओगे तो 700 कितना हो जाएगा 7 गुना कितना हो जाएगा 17,000 हो जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा सर अमाउंट कितना हो जाएगा 7p हो जाएगा अमाउंट कितना हो जाएगा 7p हो जाएगा ठीक। तो बाबू प्रिंसिपल पता है अमाउंट पता है तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकल जाएगा सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर करके 6p हो जाएगा है ना ठीक है सर सिंपल इंटरेस्ट पता हो गया। अब सिंपल बाबू क्या क्या दिया और क्या दिया सर हमको टाइम दिया हुआ है क्या दिया बाबू टाइम दिया हुआ क्या दिया हुआ टाइम दिया हुआ ई एस आई हो गया 6p टाइम दिया हुआ एलकेजी का तो क्वेश्चन था टाइम 3 इयर्स दिया हुआ ठीक निकालने क्या कह रहा है सर निकालने क्या कह रहा है ये निकालने कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने कह रहा है आर बराबर निकालने कह रहा है ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो बताएं बाबू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 पी की वैल्यू कितना सर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितना सर 6p सर प्रिंसिपल को हमने पीए मान लिया ताकि आपको आसान हो गए आर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है सर और टाइम कितना सर टाइम सर कितना सर टाइम टी हो गया सर टाइम मेरा कितना 3 साल है तो 3 साल की वैल्यू पुट कर दो अपॉन 100 इसको मल्टीप्लाई करो बाबू ऐसे देखो यहाँ भी 6p है और ये p है तो ये p p 6p कैंसिल हो सकता है कैंसिल होता ही बाबू इधर कोई अगर नंबर मिला तो मान लो 2 रहता तो p p कैंसिल नहीं करते यहाँ 6p यहाँ p है तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और नहीं कर सकते बाबू तो इसको ऐसे करो ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये 600p हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा ये p r हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा है ना ठीक है सर। अब 3 को बाबू इधर डिवाइड करो हम लोग पीपी यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं डायरेक्ट बाबू तो ये 600p हो गया और 3 क्या आएगा डिवाइड में आ जाएगा 3 हो जाएगा बराबर पी इंटू आर हो जाएगा ये 200p हो गया तो 200p हो गया बराबर कितना हो गया पी इंटू आर हो गया पी को इधर से डिवाइड करो तो 200p अपॉन पी हो जाएगा बराबर आर हो जाएगा पीपी अब कैंसिल आउट हो गया तो आर बराबर कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा जो भी रेट आता है 1 साल का हम लोग निकालते हैं 21 साल का निकालते हैं तो 200% हो गया बना बाबू 200 मान के बनाए सर उसको काट दे नहीं बाबू ठीक है 200 भी मान को बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसका सेकंड मेथड देखो शैतान एक मिनट में आ जाएगा सेकंड मेथड इसका देखो समझा मोहित समझी सौम्या yes, तो काहे नहीं बना बाबू आई आनंद पढ़ के बाबू इससे नहीं बना शैतान से क्या हुआ शिवानी बड़ी मंथन कर रही हो शिवानी नहीं समझ में आया बाबू तो इतना मंथन लिख ली हाँ सर और उसका बैंडेज कटा शिवम का बड़का शैतान का नो सर कहिया कटेगा बाबू
इंतजार कर रहे हैं पिटने का सर, एक महीना बाद। एक महीना से तो ज्यादा हो गया उसका लगता। नहीं सर, मेरे तो सर पूरा 3 महीना लग गया था। अच्छा 3 महीना लगा था, चलो ठीक है। इंतजार कर रहे हैं फिर शैतान को कब पीटे। लिखे जल्दी से, अभी ना पीटेंगे, अभी ना पीटेंगे, ठीक है ना। शैतान खाली नहीं करे, नहीं पीटेंगे। नेक्स्ट वाला सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड कैसे करेंगे सर, सेकंड मेथड कैसे करेंगे वो एलकेजी मेथड। देखें आंसर ना, देखो अब आप सोचो बाबू, आप सोचो, आप सोचो, आप सोचो क्या है सर। सम ऑफ मनी बाबू सेवन टाइम्स हो रहा, कितना हो रहा है सर, 7 टाइम्स हो रहा, मतलब 7 गुना हो रहा। बाबू 100 रुपया लगाया तो आपको अमाउंट हो गया 700, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 6 गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो अगर मान लो बाबू इसी को अगर ऐसे यहीं से अगर प्रोसीड कर दें, मान लेना ऐसे कर लेना, ऐसे नहीं मानेंगे तो हम डायरेक्ट बना लेते हैं। लेट प्रिंसिपल बाबू सेकेंड मेथड में क्या करना, प्रिंसिपल कितना है सर, पी है सर, तो अमाउंट कितना हो जाएगा सर, दिया हुआ सर, अमाउंट हो जाएगा 7p, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर, 6p हो जाएगा। तो ये बाबू अब हमको शांति से सुनो, यहाँ पे कंसेप्ट है क्या है, शांति से सुनो। ये बाबू जो प्रिंसिपल है 7 गुना हो रहा है कितना साल में, तो ये कितना साल के लिए बाबू, 3 साल के लिए ना। तो जो ये सिंपल इंटरेस्ट 6p निकला बाबू कितना साल का है सर, 3 साल का है। ये जो 6p है सिंपल इंटरेस्ट कितना साल का है सर, 3 ईयर्स का। बात समझो फॉर 3 ईयर्स। ये जो सिंपल इंटरेस्ट बाबू 7 गुना हो रहा है कितना साल में, 3 साल में। तो 3 साल में जब 7 गुना हो रहा है तो जो भी इंटरेस्ट आएगा 3 साल का आएगा ना, 3 साल का आएगा। तो 3 साल का बाबू कितना हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6p। तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो, तो सिंस बाबू 3 ईयर्स का, बाबू 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर, 3 ईयर्स का बाबू सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 6p हो गया। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 6p हो गया। तो 1 साल का निकालोगे, क्यों सर, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 1 साल के लिए डिफाइन होता है ना, 1 साल के लिए डिफाइन होता है। तो 3 साल के लिए 6p सर, तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, कितना होगा आनंद, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 6p, तो 1 साल का कै पी, ये तो दम नहीं पड़ता, दम एकदम इधर एकदम बौधा बन गया। कितना होगा प्रकार, प्रकार कितना होगा, 3 साल में 6p, तो 1 साल का कै पी, 1/6। हाँ मेरे लाल, आप तो मेरे नाम एकदम सीना एकदम ऊंचा कर दिया, कहना एकदम सर 2p। प्रखर तो एकदम नाम रोशन कर दे, अरे शैतान 3 साल का 6, 1 साल का कितना, 6p। अब प्रकाश सिंह बाबू कहाँ चल गए थे, ये हो जाएगा 2p हो जाएगा। तो हमको सर 1 साल का इंटरेस्ट हमको पता चल गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताए थे बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते, कैसे निकालते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर निकालना, एक लाइन का क्वेश्चन था। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ ऊपर में क्या होता है सर, सिंपल इंटरेस्ट होता है, और नीचे में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं सर, हमेशा बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी फाइंड करो, 1 साल का फाइंड करो, 1 साल का फाइंड करो, है ना। तो कैसे निकालते हैं सर, यहाँ सर नोमिनेटर में क्या होता है सर, इंटरेस्ट होता है, डिनोमिनेटर में क्या होता है सर, प्रिंसिपल होता है, और बगल में मल्टीप्लाई रेट निकाल रहे हैं तो 100 होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट होता है कितना सर, 2p सर। डिनोमिनेटर में क्या होता है सर, प्रिंसिपल होता है सर, प्रिंसिपल कितना दिया सर, p दिया हुआ सर, और मल्टीप्लाई 100 सर, तो p कैंसिल सर, तो 2 × 100 200% हो गया सर, है ना। तो कुछ नहीं करना, इस मेथड को आपको एग्जाम में यूज करना, कुछ किया कुछ नहीं किया, प्रिंसिपल था सर, अमाउंट मान लिया बाबू, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना साल का निकला सर, 3 साल का, तो 1 साल का निकाल लो, मने मने में दिमाग में कर सकते हो, 1 साल का निकाल लिया सर, 1 साल का मेरा निकल जाएगा क्या सर, 1 साल का मेरा निकल जाएगा, इंटरेस्ट निकल गया सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल का इंटरेस्ट पता है ही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालोगे, इसमें भाग दे दो किससे सर, प्रिंसिपल से, मल्टीप्लाई 100 कर दो। सर अब छुट्टी कर दीजिए। अरे शैतान अभी कहां मन से हुआ था, तो अभी पढ़ो ना, अभी किसी को कहीं नहीं जाना है। अरे हमारा ओम शर्मा कहां गया, आज मौसम शांत है सर, क्या हुआ ओम शर्मा, क्या हुआ सर, कहां नहीं समझ में आ रहा है सर, समझ में तो आ रहा है सर, स्कूल में पढ़ाई हो गया सिंपल इंटरेस्ट, नहीं सर, चलो सर इस साल नहीं है सर सिंपल इंटरेस्ट, हाँ वो चलो कोई दिक्कत नहीं है, इस साल नहीं तो अगला साल कभी नहीं रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है, स्टार्ट हो जाता है सर सिंपल इंटरेस्ट,
कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ ओम शर्मा, कंपाउंड इंटरेस्ट है पढ़ना बाबू? हाँ सर, कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं है सर शायद, लगता है। कौन सा बुक है बाबू एट में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है शैतान? सर एनसीईआरटी है सर। नहीं ऐसा ही है सर, नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिक्स से स्टार्ट हो जाता है। नहीं सर, है सर, मेरा भी एसआई और उससे थी कंपाउंड सीपी नहीं हुआ है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट भी और एसआई दोनों में से कोई नहीं हुआ। अच्छा चलो ठीक है, होगा जहिया तेज बन जाना, जल्दी लिखिए। काहे अभिनय आनंद कहाँ दिमाग चला गया बाबू? अभिनय आनंद माइंड कहाँ चल गया बाबू? कहीं नहीं सर। सर डी आई वाई। अरे शैतान अभी पढ़ो, अभी किसी को कहीं नहीं जाना, दो तीन को क्वेश्चन है इसी में, इसका टाइप कम से कम खत्म करो, मंडे को इसको फिनिश कर देंगे, अभी किसी को कहीं नहीं ना जाना बाबू। सर करवा दीजिए। नहीं सर, स्कूल भी लेट हो गया है। हां सब लेट हो गया तो चलो ठीक है, इसी में थोड़ा हम लोग ज्यादा पढ़ लेंगे। जल्दी से कौन बताएगा, दो कौन बताएगा? 8% पर एन अबाउट द सम ऑफ मनी बाबू बी 3 times इन बाबू, जल्दी लिखो 25 years। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश सिंह कहाँ चल गए थे बाबू? ये प्रकाश सिंह सम ऑफ मनी बाबू बिल 3 times इन बाबू 7 years, 3 गुना हो जाएगा, 7 ईयर नहीं बाबू 25 साल, 25 ईयर। कौन बनाएगा? सबसे तेज स्टूडेंट कौन है? जल्दी से, एलकेजी का क्वेश्चन है। शिवानी, फिर प्रकाश सिंह भाग गया। बनाओ ना प्रकाश। एट। हाँ बाबू। गलत है सर। ना ठीक है, सर 8% हाँ, देखो दोनों में खर्चा, पहले सेकंड में खर्चा, अरे माइंड में किए। हाँ बाबू माइंड में करना माइंड में, ठीक है ना। चलो देखो कैसे करेंगे बाबू, 8% कह रहा है, कितना साल में सर? 3 गुना हो जाएगा, समझना 3 गुना हो जाएगा इन बाबू 25, 3 गुना हो जाएगा 25 साल में, तो रेट परसेंट निकालने चाह रहा है, ठीक है। तो अमाउंट भी है सर, अमाउंट पी है सर, तो प्रिंसिपल पी है सर, अमाउंट कितना हो गया सर? 3 गुना 3p हो गया है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर? 2p हो जाएगा। अब यहाँ से बाबू, यहाँ से हम लोग निकालते हैं ना, प्रिंसिपल पी है सर सेकंड में सर, तो अमाउंट कितना हो जाएगा सर? 3p हो जाएगा। देखो कैसे एक लाइन में कैसे करोगे, प्रिंसिपल पी है सर, तो अमाउंट कितना हो गया सर? 3p हो गया है ना सर, क्यों सर? अमाउंट तीन गुना दिया हुआ इसलिए 3p हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2p हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट 2p कई साल के लिए सर, कई साल में होता है 3 गुना, 25 साल में, तो ये 2p हो गया 25 साल के लिए, 2p हो गया 25 साल के लिए, तो एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल। हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल के लिए होता, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बाबू, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट में, 2 साल का बाबू, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट कितना, दुगना हो गया है ना, कितना साल के लिए? 25 साल के लिए, तो 25 ईयर्स के लिए बाबू, 25 ईयर्स में कितना हो रहा है? 2p हो रहा है। 25 ईयर्स में बाबू सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 2p हो रहा। 25 ईयर्स में बाबू सिंपल इंटरेस्ट कुछ है जी, एल के जी, हम इसको बाबू बिना कापी कलम के बना सकते हैं। 25 साल में कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट सर? 2p हो गया, तो एक साल में कितना होगा संजना? सिंस बाबू एक साल का कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट? 1 ईयर का सुसाइड हम कर लेंगे, ये संजना शैतान कह नहीं बोलती है। 25 साल में 2p, तो एक साल में कई पी? 25 by 2p। हाँ मेरे लाल, आप तो नाम मेरे, बताओ मोहित।
25 साल में 2 पी, तो 1 साल में कई पी? मोहित बता बाबू, तो और नहीं बोलता है मोहित, नहीं बोलेगा, बताओ शिवम बाबू। शिवम 25 साल में 2 पी, तो 1 साल में कई पी? अरे शैतान, 25, हाँ बोलो 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 बोलो, 25। हाँ काहे सुनना, काहे गलती करते सता। 25 साल में बाबू 2 पी हो गया, सिंपल इंटरेस्ट की तो दुगना हो गया, तो 1 साल में क्या होगा, आधे होगा बाबू। 1 साल का कितना निकालोगे, इतना बटा 25 कर दोगे, 2 पी बाई 25 कर दोगे, है ना? तो 1 साल का ये क्या हो गया सर, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 1 साल का क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया। 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर? हम इतना नहीं करते बाबू, आपको समझाने के लिए कर देते। कितना करते थे, 2 पी बाई 25 हो गया। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता चल। हाँ ऐसे नहीं कर सकते, 2p/3 200 / उसके बाद जितना निकलेगा 200 / 225, तो ऐसे तो और इजी आंसर आएगा ना। अच्छा ठीक है बाबू, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो बाबू, ये इंटरेस्ट पता चल गया, इंटरेस्ट तो हमको पता चल गया ना सर, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है सर? न्यूमिनेटर में सर प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे अमाउंट इंटरेस्ट होता है सर, यहाँ प्रिंसिपल होता है, बगल में क्या होता है 100 से मल्टीप्लाई होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है ना। नीचे डिनोमिनेटर में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, यहाँ क्या होता है बाबू, इस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना सर, 2p हो गया सर, बटा 25 हो गया, है ना, 2p बटा 25 हो गया। अब प्रिंसिपल कितना सर, पी है सर, तो यहाँ से पी पी कैंसिल हो गया सर, अब 25 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा सर, 2 × 8% आ गया, है ना। तो ये डायरेक्ट हो गया बाबू। सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे बाबू, सेकेंड मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, प्रिंसिपल पी है, अमाउंट 3p है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 2p हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ, यस एक के को फॉर्मूले याद रखना, बस एक ही फॉर्मूला याद रखना, जो वैल्यू दिया रहेगा उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और बाकी को छोड़ो, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर, 2p है, यहाँ से पी हो गया सर, प्रिंसिपल पी हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पूछ रहा है सर, और टाइम सर दिया हुआ 25 ईयर्स, डिवाइड बाई 100 हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, दोनों मेथड से फॉलो करवा रहे हैं, दोनों मेथड लिखना है, जिसके कॉपी में नहीं दोनों मेथड लिखा हुआ रहा ना तो ढूंढ देंगे, एकदम पीटेंगे। ये 25p से पी इधर कैंसिल सर, 100 से 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 100 बराबर r × 25 हो जाएगा, 25 को डिवाइड करो तो 2 × 100/25 हो गया, 25 × 100 हो जाएगा, 8% आ जाएगा। तो ऐसे किया चाहे ऐसे किया, बतिया बराबर ही है। समझ में आता है शिवांगी? शिवांगी बोलो ना बाबू। अच्छा दो का क्वेश्चन दे देते, बना के लाइएगा, छोड़ देते हैं। हाँ तो दो दे देते हैं, तो दो को दे देते हैं, एक ही देंगे और खुश सर, जीरो। नेक्स्ट बाबू आप लोग बुक मंडे, अच्छा ठीक है, आपसे सभी को मेरी क्रिसमस, सबसे बड़ा वाला, इतना बड़ा वाला, ठीक है, एकदम टॉप कर जाओ, ठीक है ना, एकदम टॉप कर जाओ। मैडम सर को पढ़ाओ, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि टीचर को पढ़ाओ, स्टूडेंट को छोड़ दो, टारगेट बड़ा लेके चलो, जल्दी से लिखो। हाँ बाबू, मेरी क्रिसमस के शुभ अवसर पर बुक का एक्सरसाइज सिंपल इंटरेस्ट वाला बना के लाएगा, एवरेज वाला तो छोड़िए दिया शैतान आप लोग, ठीक है सर, बना लेंगे सर। नारायण दिख रहा है बाबू, ये नारायण, नारायण इन भार्ट टाइम बाबू, अभी टाइम पूछ रहा है, अभी क्या कह रहा है, टाइम पूछ रहा है, ध्यान देना, बिल ए नारायण बाबू, सम ऑफ मनी, नारायण, यस सर दिख रहा है, हेलो, हाँ बाबू, तो इतना देर पे बाबू, इन भार्ट टाइम बाबू, बिल ए सम ऑफ मनी, नहीं सर बोल तो रहे थे सर, सम ऑफ मनी बाबू, बी, समझ में आ रहा है नारायण, बेसिक वाला जो आप पढ़ाए थे उस समय सर नेटवर्क खराब चलता था ना, तो
अच्छा इन हार्ड टाइम बाबू बी लेस सम ऑफ मनी बाबू बी थ्री टाइम्स बाबू एट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू 5% पर एनम अभी कह रहा बाबू कितने समय में बाबू कितने समय में बाबू आपका जो धन है बाबू 3 गुना हो जाएगा जब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक और लिख लो दो क्वेश्चन कल हम लोग नेक्स्ट मंडे को क्या करेंगे ये वाला पढ़ लेंगे थोड़ा सा रेशियो टाइप का क्वेश्चन पढ़ लेंगे है ना और देखते हैं बुक में क्या क्या बचा हुआ है तो कुछ कुछ करवा के मंडे को इसको फिनिश कर देंगे और इसको बुक वाला अटेम्प्ट कीजिएगा आप फिर हम लोग सर कल बैच बी का टेस्ट होगा सर बैच बी इसको दोनों मेथड से बनाएंगे सर 100 मान के भी और पी मान के भी अरे शैतान पी मान के बनाएगा वो ऐसे बना ठीक है ना वो ऐसे बनाएगा ऐसे बना इसलिए तो पूछ रहे थे कल आप लोग का टेस्ट वही 5:30 बजे सुबह में है ना बाबू कोई मर्सी नहीं आपका जो टाइम बैच बी का तो जाइबे करते हैं सब देखते हैं बैच बी का बाबू बैच बी देखो ए और डी में टेंशन नहीं है ए और डी का यही है 5:30 बजे एगो का 7 बजे हम बैच बी के बारे में बीच में डी में डिस्कस करेंगे ठीक है बाय बाय सर ओके सर बाय सर बाय सर बैच बी का बता दीजिए सर बैच और सर बैच बी और बैच सी का दोनों कंबाइंड